अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। विलेज लाइफ का एक और दिन आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, इन लोगों ने गांव में मतलब बस्ती में अपने जानवरों के लिए एक सेटअप सा बनाया हुआ है। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर कर लूँ। यहाँ पर इन्होंने अपने जो बकरियाँ वगैरह होती हैं उनको चारा डालने के लिए, पानी और रखने के लिए, ताकि इधर उधर कहीं भाग ना जाए। सारा सेटअप इतना अच्छा करके सेट किया हुआ है ना कि इस तरीके से देखभाल भी अच्छी हो जाती है, और प्लस ये कि इधर उधर कहीं आना जाना भी नहीं होता। और जो घर वाले हैं, लाइक ये अगर इनके घर हैं तो यहाँ से ये लोग आकर इन बकरियों जानवरों को देख सकते हैं। और यहाँ पर कुत्ते तो इतने फ्रीली घूम रहे होते हैं ना, जैसे कहो हर घर का अपना एक एक कुत्ता हो और वो उनकी रखवाली करता हो। बस ये सिस्टम है कि जब खाना बनाते हैं तो एक आध रोटी अपने घर के बाहर जो भी जानवर हो, कुत्ता हो बिल्ली हो, उसको डाल देते हैं और इस तरीके से वो उनके पालतू हो जाते हैं। घर में ख़ास रखते नहीं हैं, बस सिर्फ ना वक्ती तौर पर रखवाली करने के लिए उनको इस तरीके से हायर किया होता है। और यहाँ पर माशाल्लाह से माशाल्लाह काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, और एक बकरी हमें मिलने के लिए भी आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, मेमे खुद ही प्यार लेने के लिए आ गई हमसे। हाँ भाई, खुद ही जैसे ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना तो ये खुद ही आ गई है। फ्रेंड्स, विलेज लाइफ का ना अपना ही मज़ा है, अपना ही मज़ा है। वाह यार, साफ़ सुथरी से इस तरीके से जंगले बने हुए हो ना, काफ़ी सही रहता है कि जानवर एक जगह कैद भी हो जाता है और उनके लिए आज़ादी भी होती है कि वो जहाँ जाए। जो बांध देते हैं ना गले में रस्सियाँ डालकर, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर जितनी बकरियाँ हैं अपने बच्चों के साथ सुकून आराम से रह रहती हैं, और जो भी इनके मालिक है वो आकर चारा पानी या जो भी इनकी डाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं वो आकर इनको यहाँ पर दे जाते हैं। यहाँ पर ना इनके लिए जैसे पत्ते वगैरह रखे हुए हैं, और अक्सर ना जैसे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर एक और ग्रिल डालकर ना इनको ढक देते हैं, या जर्सी या स्वेटर कुछ ऐसा बना लेते हैं। और यहाँ से ना इनका छोटा सा गेट नुमा बोल दें या पर्दा नुमा बोल दें, वो वहाँ से पर्दे से ना झाँक कर आकर देख लेते हैं कि जानवर बिल्कुल सही खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर कोई इशू हो तो फिर वो रात में उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी जगह में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने पीने का उगा हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये नेचर है और नेचर में सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ग्रो करती है। फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, या फिर घास हो, खाना हो, खुराक हो, कुछ भी हो, तो विलेज लाइफ का बहुत अच्छा फ़ायदा है ये। लो जी, अब बस्ती के छोटे मोटे रास्तों से, अच्छा आपको मस्जिद तो दिखाई नहीं मैंने यहाँ पर, ये देखे बस्ती की ना प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है। रुके मैं थोड़ा सा गेट खोल कर दिखाती हूँ, अंदर पता नहीं जाने देते हैं या नहीं जाने देते, लेकिन ये देखे यूँ ना प्यारी सी खूबसूरत सी बस्ती की मस्जिद है ये। यहाँ पर जो भी नमाज वगैरह होनी होती है या बच्चे सुपारा वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर आकर नमाज और सुपारा वगैरह पढ़ जाते हैं, जितने भी बस्ती के बच्चे होते हैं, तो हम इसको बस्ती की मस्जिद कहते हैं। छोटे मोटे जो भी ऐलानात वगैरह होते हैं, शादी ब्याह का, जो भी निकाह का सिस्टम होता है, वो सारा जो बस्ती की मस्जिद होती है ना वहाँ पर होता है। जैसे इस बस्ती के लिए ये वाली मस्जिद बहुत अहम है, यहाँ पर काफ़ी लोगों के निकाह और शादियाँ और इस टाइप का होता है। यहाँ पर ना आपको हल्का सा बाग का एक, ये दूसरा बाग है, फिर जब जिस दूसरे बाग में हम लोग जाएंगे ना उसका व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में होगा। अभी आपको जस्ट थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी कज़न कह रही है नहीं आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, हम व्लॉग बाग वाला जो है ना वो अलग से बनाएंगे। ना कहा डन हो गया जी, मुझे और क्या चाहिए। और यहाँ पर देखें वो चीज़ जो तोड़ी चारा जो भी कहते हैं, या इनके हर जानवर के लिए अलग, मतलब हर घर के लिए अलग से सेटअप होता है ना, ये वो रहा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इस बाग की तरफ, और इसमें है खजूर लंबी लंबी सी, और यहाँ पर ना खेत सारे, हाँ खेत का व्यू दिखाने के लिए आई है हमारी कज़न। अच्छा जी, ओ ऐसे रास्ते ना अल्लाह या सर। देखिए फ्रेंड्स, हम एक और जगह आ गए हैं, और यहाँ पर ना जैसे इस तरीके का सेटअप होता है, जो गांव है मेन जो सेटअप होता है ना वो यूँ कच्ची ज़मीन रखी जाती है नीचे, और जो भी यहाँ के इलाके के दरख्त होते हैं ना उन दरख्तों को ना तोड़ तोड़ के यहाँ पर इनके पत्ते रखे जाते हैं। जिस बकरी या जिस जानवर, भेड़ भैंस,
जिसको जो भी चारा खाना होता है वो खा लेते हैं। यहाँ पर इनके पास दुम्बे भी हैं और बकरियाँ वगैरह सब हैं। आ जाइए, खुद ही आते हैं, कोई कोई जानवर होते हैं खुद ही आते हैं अपने गरमाइश लेने के लिए, मोहब्बत लेने के लिए, प्यार लेने के लिए। बच्चे और माँ बाप सब एक साथ ही रहते हैं, फैमिली इनकी कम्प्लीट हो जाती है। तो अगर जैसे बकरा ईद हो या कोई इस तरीके से हो ना, तो फिर ये यहाँ से सिटी में ले जाते हैं और वहाँ पर फिर इनको रीसेल करते हैं या सेल करते हैं, जो भी इनका सिस्टम होता है वो करते हैं। मैं ना जानवरों को उस जगह पर रखते हैं और रात में ना जानवरों को इस जगह लेकर आते हैं, क्योंकि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो फिर अगर खुले में रखेंगे तो फिर तो जानवर बीमार हो जाएंगे, इसलिए फिर रात को यहाँ पर लाते हैं। फिर अगर कोई गरमाइश वगैरह का सिस्टम बनाना होता है तो ठीक, नहीं तो इस दरवाज़े लगे हुए हैं वो दरवाज़े वगैरह बंद कर देते हैं, स्वेटर वगैरह पहना देते हैं, तो बस जानवर फिट रहते हैं, फाट रहते हैं।